मैगजीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 64 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी, और ये इस तरह की चीजों, सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है, और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में, मजहब, सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स, इन चीजों में हम पढ़ के कि वो पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान के कमर जीमा बोल रहे हैं कि भारत में किस तरीके से 64 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है सऊदी अरेबिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं, उन वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगजीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 64 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी, और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं, वहां पे अंदर ही बस घरों में रहना सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है, और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो सिनेमास के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था वो भी लिफ्ट हो गया है, खवातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाजत मिल गई, वो जो मसाइल थे वो खत्म हो गए और वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी आप देखें, और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं न्योम, उसमें बेसिकली वो जो विजन 2030 है वहां पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज वहां पे दी जाएंगी, और ये जो न्योम सिटी है ये एक सेमी ऑटोनमस होगा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म सऊदी गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर रही है वहां पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको स्टैब्लिश करना है। इस वजह से जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे बैठ के डील्स की हैं उसके जो इंडियंस के साथ, और वो जो डील्स है जारी बात है, अगर आप देखें, मैंने कुछ 3-4 तस्वीरें लगाई आपके सामने, ये जो मैं देख रहा था, सरदस के आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं मेरा ख्याल है, तो ये जो है इन्होंने जो डील्स की हैं, और ये सऊदी से इनको मिलने आए हैं। बहुत देर पहले मैं एक मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, तो वो तहकीक कर रहे थे, एक यहाँ अमेरिका में पढ़ने आए, और उन्होंने कहा कि मैंने एक, वो बेसिकली उनका ताल्लुक मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ाने से था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक तहकीक की और मैंने देखा, मुझे पहली दफा पता चला उस वक्त, ये पुरानी बात है 5-6 साल हो गए हैं, तो मुझे पता चला उस वक्त, मुझे पहली दफा पता चला कि जो सऊदीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में, वो बड़ा पैसा लगाते हैं, एंड दैट वॉज ए न्यूज फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस है फिल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीजें, और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब हड़ा मुसलमान भरावे, तो सऊदी की करंडे ने इंडियन के नाल मिल गए ने, हिंदुआ ना मिल गए ने, भाई द पीपल जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज पर रुकते नहीं है। अब अगर देखें सऊदी जो है दे आर पुटिंग 64 बिलियन डॉलर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो, कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट, और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है और शाम को। लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जारी बात है जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है कि मैं एक दफा एक किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की, उस वक्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का, तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर पढ़ा रहा, तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने उस वक्त की बात है पुरानी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 2000
2012-13-14 में ये किताब मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर, तो उन्होंने उसमें इंडिया का जिक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1,000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये भी बन के हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज, एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता जाता है एज ए कल्चरली दुनिया में जाना जाता है, हम दुनिया में जाने जाते हैं पोलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इन चीजों में। दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ बैड रेफरेंस कि अगर दुनिया को अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पड़ गई तो आ गए हैं, अमेरिका ने अगर सोवियत यूनियन को गिराना है तो पाकिस्तान के अंदर आके मुजाहिदीन सारे इकट्ठे कर लो और वो बना लो, इंडिया को वो वहां पर जरूरत नहीं उनको इस तरह की चीजों। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया, और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में, मजहब सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स, इन चीजों में हम पढ़ के। खैर एनी हाउ आप देखें कि आप जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर थे वो गए वहां पे, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की हैं और वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, वो देखें एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं। आप जारी बात है जब सऊदी मनी इंडिया में जाएगा और सऊदीज अपनी एक्सपर्टीज देंगे, रिसेंटली आपको पता है सलमान खान ने भी कुछ शो वगैरह की है इंडिया सऊदी अरब के अंदर, उस वक्त तो पहले तो सब कुछ बैन था, सब कुछ कुछ था नहीं, इस तरह की चीजें नहीं थी, और मेरा ख्याल सलमान जो है वो भी मिले हैं इन्हीं कल्चर मिनिस्टर साहब से, सलमान खान साहब जो है, और उस वक्त उन्होंने वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन्विटेशन पे गए थे। तो अब इमेजिन कर लें कि ये जो सऊदी फिल्म कमीशन है और जो है वो उसके लोग भी आए हुए थे और उन्होंने इंडियन प्रोड्यूसर से, फिल्म मेकर से सबसे बात की है, और उनको ये है कि अगर हम इंडिया की एक्सपर्टीज हासिल करें तो हम वो जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जो टैलेंट चाहिए, वो जो उनके पास लोकेशंस हैं, खास करके वो जैसे न्योम सिटी में बताया आपको कि उसको वो उन्होंने जिस तरह एस्टैब्लिश किया, तो उनका दिल है कि हम इंडियंस को कहें कि आप वहां पे आके इंडस्ट्री लगाएं, आप वहां पे आके फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसको एस्टैब्लिश करें। सो ये चीजें जो है एक वाइब्रेंट मीडिया इंडस्ट्रीज होने के नाते, जो मैंने जैसे मैंने कहा सॉफ्ट पावर जो है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन। अब अगर मैं लेट से ये सवाल जो है वो अपने बहुत सारे पाकिस्तान में इसको डिस्कस करूंगा कि वो क्या है, तो उन्होंने यही कहना है देखो सऊदीज ने ना ये हिल गए हैं, ये अपने मिशन से हट गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके की बात हो रही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है सऊदी अरेबिया, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये पाकिस्तान इसलिए बात कर रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों हैं मुस्लिम देश। पाकिस्तान सोचता है कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मुस्लिम देश भारत में इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के लोग हमेशा ब्रादर 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 मुस्लिम देश इस तरीके की बात करते हैं, वो हमारा ब्रादर मुस्लिम देश दोस्त देश है, इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर होती हैं। तो गाइज़ अब देखिए आप यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब सीन क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और लगातार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब 64 बिलियन डॉलर है, इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे सेक्टर सेक्टर में सऊदी अरेबिया ने कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। अब सऊदी अरेबिया को भी पता है कि उसका फ्यूचर वो एक ऑयल बेस्ड अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर ऑयल जिस दिन ख़त्म होगा उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो उनको इन फ्यूचर ऐसे कुछ सोर्सेस बनाने पड़ेंगे, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि उनकी अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसलिए आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हट रहे हैं, महिलाओं को लेकर वहाँ पर कंसर्न हो रहे हैं सलमान खान के। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है, टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है वहाँ के रेगिस्तानों को कि यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए इन फ्यूचर टूरिस्ट के लिए, यहाँ पर शूटिंग हो, हर चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही है। बॉलीवुड वहाँ पर पहुँचेगा अगर शूट करेगा तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें सऊदी अरेबिया कर रहा है, जिससे उनके फ्यूचर की अर्थव्यवस्था को भी मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें की जा रही हैं। मुझे पता है कि इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान के हेटर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में मतलब यहाँ के 100 में से 90 मुसलमान उसके हेटर बन चुके हैं, हेटर बन चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को यहाँ के ज़्यादातर लोग हेट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।